ठुकरा दो अगर कोई दे एहसान से समंदर, इज्जत से अगर मिले तो एक कतरा भी काफी है। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा हम सामाजिक प्राणी हैं, गलतियां हर व्यक्ति से होती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में परफेक्ट नहीं होता। और परिवार में तो हमारे अंदर सहन शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है, तभी पारिवारिक वातावरण सुखी और आनंदमय रह सकता है। तो मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक बार एक दंपत्ति था, उसमें जो पति था उसका स्वभाव बहुत ही क्रोधी था, क्योंकि मन के अनुकूल जब भी कोई उसके कार्य नहीं होता तो वो अपनी पत्नी को धमकी देता था कि मैं घर बार छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगा। गांव से बाहर ही सन्यासियों का एक अखाड़ा था। उसकी पत्नी जो है डर जाती थी उसकी धमकी से और कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन एक सन्यासी उसी दंपत्ति के घर भिक्षा मांगने के लिए आया। तब उसकी पत्नी ने सन्यासी से कहा कि महाराज, क्या कोई घर परिवार छोड़कर सन्यासी हो सकता है बिना किसी बात पर? तब उस सन्यासी ने कहा कि माई, तुम ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही हो? उस स्त्री ने रोते हुए अपने पति की सारी बात बता दी। तब सन्यासी ने कहा कि अगर इस बार तुम्हारा पति तुम्हें धमकी दे तो तुम कहना कि जो आपकी मर्जी हो वो कर सकती। कुछ समय के पश्चात जो है एक दिन भोजन जो है उससे अच्छा नहीं बना और पति को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत कहा कि तुमने मेरे अनुकूल भोजन नहीं बनाया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आज ही जा रहा हूँ घर बार छोड़कर। तब पत्नी ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। पति को और गुस्सा आ गया, वो तुरंत ही घर बार छोड़कर चला गया सन्यासियों के पास। अब सन्यासी ने उसे फटे पुराने कपड़े दे दिए और एक झोली दे दी भिक्षा मांगने के लिए और अपने पीछे पीछे आने को कहा। वो पूरा दिन नगर में घूमते रहे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा भोजन मिला, वो भी बासी। जब वो भोजन खाने लगे तब उस पति ने देखा कि रोटियां तो बड़ी कड़क थी और दाल बासी थी, उसमें दुर्गंध आ रही थी। उसने सन्यासी से कहा, ये क्या है? सन्यासी ने कहा कि बेटा, हमें जो मिल जाता है उसे हम पकवान समझकर खा लेते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें भूखा नहीं रखा, इसलिए जो है चुपचाप खा लो। अब उसके पति को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो तुरंत घर आ गया और अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। तो बेटा गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, हमें बार बार जो है अपना मिजाज गर्म नहीं रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्रोध रूपी तूफान जब आता है सब कुछ तहस नहस करके रख देता है। उस समय तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब ये तूफान शांत होता है तब पता चलता है कितना विनाश हो चुका है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज रखिए, तभी हमारा जीवन जो है प्रेम में वातावरण के अंदर सुखपूर्ण ढंग से व्यतीत होगा। तो कैसी लगी कहानी? कहानी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।